Students in EVS, I am starting chapter 4, Animal Life Reproduction in Animals. There are many animals in our surrounding. बहुत सारे जानवर हमारे आसपास रहते हैं. You may have seen a cow feeding its calf or a dog feeding its puppy. आपने देखा होगा जो cow है, गाय अपने बच्चे को feed कराती है और ऐसे dog भी अपने puppy को feed कराता है. Have you wondered how the young ones of all these come into the world? क्या आप जानते हो जैसे बच्चे इनके कैसे आते हैं इस दुनिया में? How are they born? कैसे वो पैदा होते हैं? जैसे यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, ये शीप है, उसका बेबी. ठीक है, तो ऐसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये बेबीज हैं वो कैसे आते हैं इस वर्ल्ड में, कैसे बॉर्न होते हैं, कैसे पैदा होते हैं. The process by which living beings produce another one of their own kind is called reproduction. ऐसा process जिसमें जो living being है produce करते हैं अपने ही जैसे को, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? Reproduction कहते हैं. जैसे मम्मा ने आपको क्या किया है? Born किया, तो क्या हुआ? Reproduction हुआ. ठीक है. Every living being has the ability to give birth to one of its own kind. हर एक living being के अंदर इतनी क्षमता होती है कि अपने जैसे को पैदा करने की. ठीक है. In this way, the cycle of life keeping keeps going. इसी तरीके से देखा होगा पीढ़ी दर पीढ़ी ये cycle जो है हमेशा आगे बढ़ती रहती है. आपके दादाजी, फिर आपकी दादी ने आपके पापा को birth दिया, ठीक है, पैदा किया, उसके बाद मम्मा ने आपको किया, ऐसे आपके और साइकिल आपके क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी पूरी. इफ़ दे फेल टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, अगर मान लो वो फेल हो जाते हैं, हम अपने जैसे लोगों को पैदा नहीं कर पाते हैं, देयर फॉर्म विल डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ. फिर उससे क्या होगा, उनके जो भी कह सकते हो आप उनकी सिम्बल्स, आप कभी उनको अर्थ पर दोबारा नहीं देख पाओगे. Thus, reproduction is an important process for every animal to continue its race. इसलिए reproduction बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कि हर एक animal में, ताकि ये जो race है continue हो सके, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती रहे. इसी के through हम आगे, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं ना, हम उन्हीं के through तो आए हैं. ऐसे ही animals भी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते हैं. How do animals reproduce? और जो animals हैं कैसे reproduce करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं? Animals reproduce by two ways. जो ये animals हैं, जानवर हैं, वो दो टाइप से reproduce करते हैं. By laying eggs, या तो अंडे देकर, by giving birth to young ones, या तो birth देके, जन्म देके दूसरों को, छोटे बच्चों को. Animals that lay eggs and hatch them are called oviparous. जो ऐसे एनिमल जो अंडे को फोड़ के बाहर आते हैं बच्चे, वो ने क्या बोलते हैं? oviparous. जैसे कि बर्ड्स, आपने देखो बर्ड्स अब एग देती हैं और उनके एग से फूड का उनके बच्चे आते हैं. ऐसे फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स ले एग्स. ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं ये सारे क्या करते हैं? एग्स देते हैं और उनके एग्स को फूटने के बाद उनके बच्चे आते हैं.